बॉलीवुड की दिग्गज कलाकारा शबाना आजमी 70 और 80 के दशक के फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी फिल्मी करियर में 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शबाना आजमी जितनी अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खिया में भी रही। जावेद अख्तर से पहले शबाना का नाम जाने माने फिल्म मेकर शेखर कपूर के साथ भी जुड़ चुका है। हालांकि ये खबरें महज अफवाह ही निकली। वहीं जावेद अख्तर और शबाना आजमी की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। जावेद पहले से ही शादीशुदा थे, जब उनके घर पर शबाना और जावेद के रिश्ते के बारे में पता चला तो काफी हंगामा हुआ, क्योंकि जावेद साहब के घर वाले इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे। जोया अख्तर और फरहान अख्तर जावेद अख्तर और उनकी पहली पत्नी हनी के बच्चे हैं। आपको बता दें कि जावेद अख्तर साल 1970 में कैफी आजमी यानी शबाना आजमी के पिता से लिखने की कला सीखते थे, और उसी दौरान जावेद और शबाना के बीच नजदीकियां बढ़ी। जब दोनों के बीच अफेयर की खबर मीडिया को लगी, तब आए दिन जावेद और हनी के बीच लड़ाइयां होने लगी। अपने दोनों बच्चों की वजह से जावेद हनी को नहीं छोड़ना चाहती थी। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर हनी ने जावेद को शबाना के पास जाने की इजाज़त दे दी। हनी ने जावेद से कहा कि वो बच्चों की फिक्र ना करे और शबाना के पास चले जाए, जिसके बाद जावेद ने हनी को तलाक देकर शबाना से शादी कर ली। शबाना को साल 1975 में फिल्म अंकुर के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद साल 1983 में फिल्म अर्थ के लिए, 1984 में फिल्म खंडहर के लिए, 1985 में पार और साल 1999 में फिल्म गॉड मदर के लिए ये सम्मान दिया गया था।